अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ कामरान अंसारी, आप देख रहे हैं हुसामी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। बल्दी डिजन तालाब चंचलम के इलाके में तालाब कट्टे में रहने वाले जनाब इरफान साहब, जो सुल्तानशाही में राशन की दुकान से राशन लेने जा रहे थे, 5 बजे का टाइम था, अभी कुछ टाइम कर्फ्यू का शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन मोगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल राजू नामी इनको बेतहाशा मारा, बहुत मारा, मेडिकल कराया इन्होंने, नाके को जाके कंप्लेंट करेंगे तो दूसरे जवान है बता रहे हैं कि खाली अब इतना मारे हड्डियाँ हड्डियाँ तोड़ देंगे तुम्हारे, सब धमकी देके भी जाती। मैं इंस्पेक्टर से मेरी बात कर रहा हूँ, उनका इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि कंप्लेंट ले और फौरी इस पर एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना हम कमिश्नर के पास इसकी इत्तला करेंगे और बड़े पैमाने पर इसके कार्रवाई में जमहूरी दस्तूरी तरीके पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इस इलाके में बास कांस्टेबल की निशानदेही है, इंस्पेक्टर साहब की भी नॉलेज में पब्लिक लाई है, गैर जरूरी तौर पे इस अंदाज के मारपीट कर रहे हैं बच्चों को, और ये बेताशा मार, इनकी मेडिकल रिपोर्ट देखे तो हर कोई देख के रहम खाता। मेरी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंस्पेक्टर मोहल प्राइस पे एक्शन लेके कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई मेरा नाम इरफान है, मैं तालाब पट्टे का रहने वाला हूँ। मेरी राशन की दुकान सुल्तानशाह में थी, तो मैं राशन के लिए सुबह आओ बोले तो राशन ख़त्म हो गया था, तब तो मैं शाम में 5:30 बजे के टाइम, तो मोगलपुरा पीएस का कांस्टेबल राजू सर और उनके साथ एक जने थे सर, तो कहाँ से आ रहा पूछा था मेरे को, तो मैं राशन के लिए आया था सर, कहाँ रहता पूछा, तालाब पट्टा रहता, तो यदि मुसलमान कुटुरा बोल के साहब मेरे को मार के मेरे वेबसाइट की हड्डी तोड़ दिए साहब। सुने ओनली मुसलमान यूथ को वो कर रहे साहब, वो कर रहे समझो, खाली मुसलमान बच्चों को टारगेट बना रहे, ये पूरे पुलिस वाले आए बोल के नहीं बोल रहा हूँ साहब, सिर्फ एक ही है जो जिसका नाम राजू है, एक मेकू बोल के नहीं साहब, और तकरीबन बच्चों को मारा उन्हें, मार के ये हाल कर दिया और मेरे को बहुत बुरा मारा, मार के मेरी हड्डी तोड़ दिया। क्या तारीख का वाकया है ये? 10 तारीख का वाकया है साहब। मैं ऑलरेडी वहाँ गया, जाके कंप्लेंट भी दिया, तो मैं कंप्लेंट देने जब पीएस को गया तो पीएस में जवाना बोल रहे हमारे को फुल परमिशन मिले हुआ है मार के हाथों पैर तोड़ देने का, अगर तू कंप्लेंट करेगा तो तेरे को झूठे केसों में डाल के 2-3 साल के बाद से जेल को भेज देते बोल रहे साहब, इसलिए मैं डर के कंप्लेंट भी नहीं करा। तो भाई आए 40 वाले मेरे कने, इस वजह से आए तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ साहब, अगर कल के दिन कुछ भी अगर मेरे को हुआ क्या कुछ भी परेशानी हुई तो कांस्टेबल राजू जिम्मेदार रहेंगे साहब, और बस साहब इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मैं गरीब बच्चा हूँ साहब, ऑटो मैकेनिक हूँ मैं, कमा के खाने वाला। पुलिस स्टेशन कंप्लेंट देने गए तो क्या बोले आप? पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट देने गए तो बोल रहे हमारे को मारने का परमिशन फुल मिले हुआ है, क्या हाथा पैर तोड़ देते हम लोग, तू सीधा घर को चले जाना तो झूठे केसों में डाल के फंसा देते तेरे को बोल रहे साहब, क्या मैं कमा के खाने वाला बच्चा हूँ साहब, इतनी बुरा मार के मेरे को हाथ तोड़ दिया। मैं ऑटो मैकेनिक हूँ साहब। कहाँ पे काम करते? मैं हरी बोली मिर्गे दरे के सामने काम करता हूँ साहब।